नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट 2019 के टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि वीडियो है वो थोड़ा कहते हैं कि ट्रेंडिंग में आता है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 25। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फिनलैंड, आपने नोकिया का फ़ोन यूज़ किया हो तो आपको पता है कि फिनलैंड जो नोकिया है वो फिनलैंड की कंपनी है। तो फिनलैंड के जो नए प्रधानमंत्री सना मारिन, बोरिस जॉनसन, स्कॉट मॉरिसन, जोको विडोडो, तो कौन बने हैं वहाँ पे? सना मारिन फिनलैंड के नए पीएम बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो कोस्टा, सेहल वर्क, इमैनुअल मैक्रो। तो वहाँ पे दोबारा से कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो गुटेरस हैं, वो यूएनओ के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सिरिल रामाफोसा, जेयर बोल्सोनारो, निकोलस मादुरो, बोरिस जॉनसन। तो हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का जो पद है वो किसने? बोरिस जॉनसन ने संभाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? महिंदा राजपक्से, गोटाबाया राजपक्से, रनिल विक्रम सिंघे, मैत्रीपाल सिरिसेना। तो श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है गोटाबाया राजपक्से, और वो राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्से, दोनों भाई। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही ब्रदर हैं, दोनों ही भाई हैं। चलिए, हाल ही में रूस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? मिखाइल मिशुस्टिन, दमित्री मेदवेदेव, व्लादिमीर पुतिन या व्लादिमीर नोरोव। कहाँ पूछा है? रूस का प्रधानमंत्री पूछा गया है। तो वहाँ पर रूस के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बने हैं? मिखाइल मिशुस्टिन। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में ताइवान का राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसने जीता है? तो ताइंग इंगवेन, हान कुओ यू, गोटाबाया राजपक्से, जोको विडोडो। तो ये दोनों तो पहले कट जाते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? तसाई इंगवेन, ए राइट होगा। अगला है, हाल ही में अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अल्जीरिया, तो अब्दुलाजिन तेबोबने, तसाई इंगवेन, इमैनुअल मैक्रो, बोरिस जॉनसन। तो ये तो दोनों पहले ही कट जाते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें कि जो अल्जीरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है अब्दुलाजीज तेबोबने, ठीक है, ए राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं, हाल ही में रानीबिया एक देश है, के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानीबिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है हैंग गेगोब, क्लियर है। अगला है, हाल ही में इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंडोनेशिया की हम बात करें तो इंडोनेशिया के अंदर हैं जो दोबारा से जो राष्ट्रपति वो बने हैं जोको विडोडो, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ट्यूनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ट्यूनेशिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं केस सईद। हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में वेंजुएला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वेंजुएला के नए राष्ट्रपति का जो पदभार है वो किसने संभाला है? निकोलस मादुरो ने, ठीक है। ये थोड़े से नाम हैं वो डिफ़िकल्ट हैं। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति स्कॉट मॉरिसन, जेयर बोल्सोनारो, निकोलस मादुरो, सिरिल रामाफोसा। तो ब्राज़ील के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? जेयर बोल्सोनारो, ठीक है।
अगला है, हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्लोवाकिया देश है जिसकी पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है, कौन? एंजेला मार्कल, थेरेसा मे, जुजाना कैपिटोवा, सना मारिन। तो कौन चुनी गई है वहाँ पे? जुजाना कैपिटोवा। जुजाना कैपिटोवा स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाल ही में इथोपिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? इथोपिया के नए राष्ट्रपति की बात करें, इमैनुअल मैक्रोन, सेहल वर्क, अशरफ गिनी, अबी अहमद अली। तो इथोपिया का जो राष्ट्रपति का प्रभार जो भार है वो किसने संभाला है? सेहल वर्क ने, बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हेंगेगोब, एंटोनियो गुटेरस, जेल बोल्सोनारो, सिरिल रामाफोसा। तो अफ्रीका के राष्ट्रपति की हम बात करें तो वो बने हैं सिरिल रामाफोसा। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आरिफ अलवी, अब्दुल्ला हामिद, इब्राहिम मोहम्मद सोली, के सईद। तो मालदीव की हम बात करें तो मालदीव के जो नए राष्ट्रपति का प्रभार है वो किसने संभाला है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री की बात करें हम, शेख हसीना, अब्दुल हामिद, जोको विडोडो, अशरफ गनी। कहाँ के? बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश की हम बात करें तो शेख हसीना वहाँ पे नए प्रधानमंत्री का प्रभार शेख हसीना ने संभाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, इमरान खान, पृथ्वीराज सिंह रुपन, सहेल वर्क। तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? आरिफ अलवी। ठीक है, चलिए, और प्रधानमंत्री आपको बताइए कौन है वहाँ? इमरान खान है। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अफगानिस्तान की बात करें, आरिफ अलवी, इब्राहिम मोहम्मद सोली, जेर बोल्सोनारो, अशरफ गनी। तो अफगानिस्तान की हम बात करें तो अफगानिस्तान में अशरफ गनी नए राष्ट्रपति बने। अगला है, फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने? के सईद, एंजेला मार्कल, इमैनुअल मैक्रोन, शेख हसीना। तो फ्रांस के जो नए राष्ट्रपति का प्रभार है वो किसने संभाला है? इमैनुअल मैक्रोन। क्वेश्चन नंबर 22, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बने? अशरफ गनी, खलीफा बिन जायद अल निहान, आरिफ मोहम्मद खान, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। तो यूएई के जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल निहान, काफ़ी बड़ा नाम है, खलीफा बिन जायद अल निहान। आगे बढ़ते हैं, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नाइजीरिया के हम देख लेते हैं, सेहल वर्क, हानकोयू, गोटाबाय राजपक्से, मोहम्मद बुहारी। तो नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति का प्रभार है वो मोहम्मद बुहारी ने संभाला है, नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद बुहारी। क्वेश्चन नंबर 24, इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सना मारिन, बोरिस जॉनसन, के सैयद, बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसराइल जो एक देश काफ़ी फेमस है ड्रिप सिंचाई के लिए जाना जाता है, इसराइल और मोसाद वहाँ की जो खुफिया हम बात करें वहाँ के जो एजेंसी, तो सना मारिन, बोरिस जॉनसन, के सईद और बेंजामिन नेतन्याहू। तो वहाँ पे कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, मोदी के काफ़ी करीबी दोस्त माने जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? व्लादिमीर जेलेंस्की, पृथ्वीराज सिंह रूपन, व्लादिमीर पुतिन, इमैनुअल मैक्रोन। तो यूक्रेन के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, ए राइट आंसर होगा। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हैं, इसमें हमने बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है, इंडिया से सारे के सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हैं जो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। तो आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम पे आप सीधा सर्च भी कर सकते हैं, @ गोस्वामी सर, @ गोस्वामी सर, तो आपको चैनल मिल जाएगा।
वहाँ जाके आप सारी की सारी PDF हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे अच्छे से। और यदि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, HSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी फरवरी में SI और कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो आप जो है जो मेरा पेड कोर्स है एक, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा किस प्रकार से ज्वाइन करना है। वो बड़ा ही कम कॉस्ट में आपको घर बैठे आप इजीली हरियाणा GK में जो है पूरे के पूरे मार्क्स ले पाएंगे, ठीक है। तो डेमो क्लास और कोर्स का जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।